आज दोस्तों हमारे डोमेस्टिक एनिमल हाउस में रौनकें लगी हुई हैं। इधर देखें डक्स किस तरह से खाना खा रही हैं, और वहां पर सबसे सरप्राइजिंग चीज वो ये कि हमारा ऑरिक्स और हिरन एक साथ खाना खा रहे हैं, साथ में माइलो भी जुड़ा हुआ है। भाई देख रहे हैं भैया, तुम देखो जाके सही से खा रहे कि नहीं खा रहे। सही से खा रहे वो डर जाएगा सिपी, तुम ऐसे ही कराते हो फिर। भाई सिपैन कह रहे करीब से जाके देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ करीब से जाके हमारा हिरन, हमारा ऑरिक्स, माइलो तीनों मिल के भाई खाना खा रहे हैं। इनकी सबकी दोस्ती हो गई है। क्या सारा घास तुम लोगों ने खाना है? छोड़ भी दो हैं, ये माइलो का है और डोरा का है, तुम यहाँ पर मुंह क्यों घुसा रही हो हैं? सारा दिन खाते रहते हैं यार सिपैन। जैसा भी खाना मिले ना उस जानवर की नकल करने लग जाते हैं। जैसे बकरियों के साथ खाने तो बकरी बन जाते हैं, कुत्तों के साथ खाना होता है तो कुत्तों की तरह खाने लग जाते हैं। लेकिन इनको हम रोक भी नहीं सकते दोस्तों, ये खाते रहे बेचारे, कितना खा लेंगे हद, इतना एक डक खा लेगी। बहुत ज्यादा घास है यार, देखें बहुत ज्यादा घास है। ओहो कहाँ से गिरा? ऊपर से गिरा, कबूतरों ने छेड़ा इसको नीचे। कबूतरों से छेड़ गया पागल, खुद ही गिरा है जी चाचू। हाँ वहाँ ना वो देखे यार, अब ऑरिक्स भी खाना खा रहे हैं और हिरन भी खाना खा रहे हैं, सयाना भी देख रहा था। ये उल्टी सीधी हरकतें करो ताकि तुम गिरो और तुम्हारी हड्डी वड्डी टूटे और सारे काम मुझे करने पड़े। यार मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारा बनाना ट्री बनाना कब उठाएगा। अच्छा आगे काम आने वाले है ना सिपैन यार। केले तो मैं भी खाता हूँ वैसे, मुझे भी पसंद है केले, अच्छे लगते तुम्हें? हाँ केले का अचार खाता हूँ मैं। अचार खाते हो यार, केले पसंद किसको नहीं होते मुझे बताओ। बनाना शेक बहुत अच्छा बनता है। हाँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं देख रहा कि हम खाएंगे, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ये बनाना हम अपने माइलो डोरा हिरन को सबको खिलाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे। भाई एक आधा मुझे भी दे देना, मैं भी खा लूंगा, तो कोई गंदी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं दूंगा। शयान को भी देना। क्या हुआ? कौवा लेके जा रहा था इसको। ये कैसे लेके जा रहा था? ऊपर बैठा है, ये नीचे से घुस जाते हैं, पता ही नहीं चला मुझे, मैं तो इधर ही था भैया। इसको समझ नहीं आती है यहाँ से नीचे से क्यों गुजर आते हैं। यहाँ से निकलते हैं यार हमारे चूजे, नीचे से गेट के नीचे से, ऊपर से कोई चील कवे आ जाते हैं फिर ले जाते हैं। बस यार कोई हाल नहीं इनका। ये लो भाई तुम्हारा चूजा कवा लेके जा रहा था, कैसी माँ हो तुम्हें, संभालने का पता है नहीं, बच्चा गली में घूम रहा था तुम इधर घूम रही हो हैं। भाई तुमने जो उसको 20 चूजे दे दिए वो कैसे संभाले एक साथ? संभाल लेती है, तादाद ज्यादा होने की वजह से इधर उधर 10 वैसे इनकी लिमिट होती है, तुमने 20 कर दिए। तुम तो भी कह रहे थे 100 ले लो। हाँ तो 100 तो 50 कवे खा जाते कोई बात नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे बताना है जानवर के बारे में या नहीं बताना? वो जो तुम ला रहे हो यार कल वाला, जो कल से सर खाया हुआ है, अच्छा जानवर है, अच्छा जानवर है। बोला था कि जब मुझे सब बोलेंगे कि सिपैन को बता दो तो मैं उस टाइम तुम्हें बता दूंगा। हाँ तो बोलो। मुझे इतने कमेंट्स नहीं आए जिसकी बिना पर मैं फैसला करूं और तुम्हें मैं बता दूं, सही है ना? तुम्हें कौन से कमेंट्स सही हैं? और भरे पड़े कमेंट्स के सिपैन को बता दो फिर भी ये नहीं बता रहा, अपनी बात से मुकर रहा है। भाई मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, भाई कह रहे थे कुछ सिपैन को बता दो, कुछ कह रहे थे कि भाई सिपैन को बिल्कुल नहीं बताना। अब मैं बताऊँ किसकी बात मानूं सिपैन? जो कह रहे हैं बता दो उनकी बात मानो क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं। हाँ जी। अच्छा एक और चीज है सिपैन। हाँ। चलो फर्ज करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ बता दो। फिर वो तुम्हारी खुशी खत्म हो जाएगी यार। अच्छा तुम फैसला करो मैं करूँ तो करूँ क्या? भाई मुझे बता दो अभी बता दो, क्योंकि मुझे रात को मैं सोच सोच के थक गया था कि क्या चीज हो सकती है। तो आपने आज तक ऐसा मुझे नहीं कहा कि बहुत अच्छी चीज है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम कुछ ऐसा पूछो जिससे तुम्हें अंदाजा हो, अब मुझसे पूछो कुछ सवालात करो जिससे तुम्हें अंदाजा हो। सब मैं कल पूछ पूछ के थक गया, तुमने तो ये नहीं बताया कि बर्ड है या एनिमल है, तुम तो ये नहीं बता रहे। एनिमल है। चलो चलो यार तो आपसे ना डिफरेंट मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम गेस कर सकते हैं कि क्या चीज है वो। ठीक है। पहला क्वेश्चन था कितने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ये बताओ? चार। चार क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इससे चार क्वेश्चन में मैं गेस कर लूंगा कि कौन सा एनिमल है। ठीक है पहला क्वेश्चन है वो बर्ड है एनिमल है? एनिमल। एनिमल एक सवाल हो गया, बाकी रह गए तीन। दूसरा एक है उसकी चार टांगे हैं या दो टांगे हैं ये बताओ? उसकी झूठ नहीं बोलना, बोलना सच है सारा कुछ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चार टांगे या दो टांगे ये बताओ? उसकी चार टांगे। पक्की बात है? अच्छा दो क्वेश्चन हो गए, मुझे सोच समझ के सवाल पूछने होंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अच्छा चार टांगे हैं उसकी और वो एनिमल है, मुझे ये बताओ उसके दांत कुत्ते की तरह शेर की तरह हैं या फिर बकरियों की तरह हैं? ये बताओ। उसके दांत नोकदार भी हैं और दूसरे वाले भी हैं, मतलब मिक्स हैं। मिक्स दांत हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच रहा हूं तराब, मेरे जहन में चीजें आ रही है। कीमत ना पूछ रहा हूँ उससे, अंदाजा हो जाएगा तुम्हें। ओ कीमत नहीं, एक सवाल रहता है यार मेरा नहीं। वो भी मैं पूछता हूँ इससे, मैं या तो इसकी प्राइस पूछ लेता हूँ कि कितने का, इससे भी आइडिया हो जाएगा मुझे वो कौन सा एनिमल है, कितना ही यूनिक है वो प्राइस, क्योंकि जिसकी ज्यादा होती है वो एनिमल बहुत यूनिक होता है। तो आपने क्या है उसके नोकदार दांत भी हैं, दूसरे सीधे दांत भी हैं, मतलब कि वो कोई इस तरह का नहीं है जैसे डॉग या शेर या फिर दरिंदा टाइप, कुछ नहीं है, कुछ और है।
कुत्ते के भी चार टांगे होते हैं, लायन टाइगर सबके भाई उसके चार टांगे होते हैं, लेकिन उसके दांत सारे नुकीले ही होते हैं ना। इसके देखो अच्छा सीधे ये वाले दांत आगे हैं और ये वाले सीधे हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ भाई इस चीज से। अच्छा हाँ जी, मतलब कि एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यार आपसे क्या पूछूं, अभी मैं सोचता हूँ लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मैं फिर मैं गैस कर लूंगा प्रॉपर मैं बता दूंगा। अच्छा। लास्ट क्वेश्चन इतना खतरनाक होगा ना इसको बताना ही पड़ेगा वो। अब भाई सिप्टन गहरी सोच में चला गया कि तो आपसे आखिरी सवाल कौन सा पूछूं जो मुझे पता चले। एक सवाल नहीं दो सवाल कर लो, पांच क्वेश्चन होने चाहिए, चार क्या होता है पांच पूरे, मैं कहता हूँ दो सवाल करने दो मुझे फिर गैस हो जाएगा मुझसे। नहीं भाई एक ही रहता था सिप्टन, ये बात गलत है यार, बैठो दे यार मेरी बात सुनो यार, ऐसे तो ये इसको पता चल जाएगा कि कौन सा एनिमल आ रहा है। मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगा कि उसका नाम बता दो, मैं ये कह रहा पहले उसकी प्राइस बता दो मुझे। अच्छा। कितने का आ रहा है वो। अच्छा। दूसरा मुझे बता दो कि उसका नेम जो है ना वो किस अल्फाबेट से शुरू होता है। फिर बच्चे का क्या भाई, इसको तो पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा, बस ये दो चीजें बता दो यार, काम चेक करें यार, सारे सरप्राइज को खत्म करना चाह रहा है ये सिप्टन भाई। मैं नहीं बताता भाई, फिर ये बता दूं पहले। अच्छा प्राइस तो बताओ, प्राइस बताऊं? चौथा क्वेश्चन है, प्राइस बताओ उसकी। भाई वो जो एनिमल है ना वो बहुत ही नायाब एनिमल है, वो पाकिस्तान में नहीं है ठीक है ना, वो आउट ऑफ कंट्री से ऐसे समझो आती है उसकी ब्रीड। ये तुमने खुद इन्फॉर्मेशन बताई है, मैंने पूछी भी नहीं है। अच्छा और बताओ यार, और बताओ, ये क्वेश्चन में आ सकती थी, मेरे जहन में था कि पूछूं कि पाकिस्तान में मिलता है बाहर मिलता है, इसको खुद ही बता दो यार। सॉरी। अच्छा उसकी कीमत मैं बता देता हूँ दोस्तों, उसकी कीमत है भाई, बता दूं? बतानी पड़ेगी ना आप तो क्वेश्चन। चलो उसकी कीमत है भाई 5 लाख से भी ज्यादा। 5 लाख से भी ज्यादा? अब वो 10 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है, 7 लाख भी हो सकती है। नहीं, पूरी उसकी एग्जैक्ट जितने कदम ले रहे हो वो बताओ। अच्छा, 5 लाख से भी ज्यादा। चलो उसकी कीमत है भाई 5.5 लाख, पूरी की पूरी फुल एंड फाइनल 5.5 लाख। 5.5 लाख है वो? 5.5 लाख का एक चीज है वो, एक है ना? हाँ एक है। 5.5 लाख की एक चीज है, नुकीले दांत। बाद में सोचना, कल बताना फिर, ठीक है ना? अब आखिरी सवाल, अल्फाबेट बता दो लास्ट, कि वो किस अल्फाबेट से नेम शुरू होता है उसका। चलो यार ये भी बता देता हूँ भाई, वो ना एल से शुरू होता है। लायन तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है, बस एल से शुरू होता है। ये रात को सोचना, सुबह सबको बताना ठीक है। कलर तो बता दो उसका। बस अब सारे खत्म हो गए ठीक है, तुमने सब कुछ पूछ लिया है, अब रात को सोचना सुबह बता। चुप करके जाओ अभी यहाँ से, जाओ। किस तरह भागते वो? चुप करो यार, जाओ 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 यहाँ से, प्लीज जाओ जाओ यार। इसने 5 सवाल पूछे, अब आपने भी अंदाजा लगा लेना है कि कौन सा एनिमल हो सकता है। मैंने सब कुछ बता दिया, उसका फर्स्ट अल्फाबेट भी बता दिया, उसकी कीमत भी बता दी, उसके कितना टांगे हैं, उसके कैसे दांत हैं, वो किस तरह से दिखते हैं, सब कुछ बता दिया। अब आपने गेस करना है कि वो क्या चीज़ हो सकती है। काफी दिनों के बाद दोस्तों हमारे कबूतरों ने बच्चे निकाल ही लिया आखिरकार, और ये हमारे बच्चे लकी कबूतरों के हैं। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, हैं? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये दूसरों का घर है, बच्चों को क्यों डरा रहे हो हैं? गंदे बच्चे, जो शाबाश बाहर जाओ तुम। ये चलो भाई, अब मैं आराम से देखता हूँ ये कितना क्यूट है यार, बिल्कुल वाइट नीट एंड क्लीन। ये देखें दोस्तों, ये देखें इनके पाँव पे भी। तुम फिर आ गए यार, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, मुझे पता चल गया जानवर का। एक मिनट मुझे बच्चे दिखाने दो, फिर मैं तुम्हारे से पूछता हूँ। एक मिनट ओ भाई तुम जाओ, अभी सिप्टन ने बता, सिप्टन को पता चल गया लगता है। तुम यहाँ पर ही रहो, अभी मैं आता हूँ एक मिनट में। चलो भाई बताओ, अब मुझे पता चल गया। बताओ एल फॉर ऑस्ट्रिच। एल फॉर ऑस्ट्रिच यार, एक मिनट सोचने दो। एल फॉर लामा होगा। और क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें मैंने बताया कि उसके नोकीले दांत हैं, नोकीले दांत तो दरिंदे के होते हैं भाई, लामा कहां से आया? लामा नहीं है, जाओ तुम जाओ, यहाँ आए क्या करने हो? जाओ एल्फा, मैं देखता हूँ एल से कितने एनिमल्स के नेम शुरू होते हैं। चलो ठीक है जाओ, एल से लायन होते हैं, लायन लामा। चलो भैया अब इसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा, 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा वो ठीक है। ऐश अपना मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ, मैंने ऑब्जर्व करना है कि कुत्तों के दांत सीधे भी होते हैं कि नहीं होते। ओए मुंह ही नहीं खोलेंगे ये, अब तो मुझे इसने और क्रॉसी में डाल दिया यार, कितनी सारी चीजें मुझे पता चल गई हैं, फिर भी मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा। अभी हमने इस हिरन को खाना दिया था, चने दिए थे, और इसके चने ना यहाँ पर रखे होते हैं, चोरी चोरी आती है, इधर मुंह मारती है और चने खाती है, लेकिन ये खाली है। इस बार चोरी करते हुए पकड़ी गई है ये। शुरू में आई थी, हम इसको खिला खिला के थक जाते थे, नहीं खाती थी ये भाग जाती थी, लेकिन अब ये ढूंढती है खाना, चोरी कर करके भी खाती है, जैसा कि अभी करने आई हुई है। तो आप यार माइलो को उसका अच्छा खाना दो ना यार, उसको चने पसंद है, और इस खा रहे माइलो बाहर देख रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माइलो सारा दिन खाते रहते हैं तो ये रहने दो, ये मैंने चूजों को डालना है, वो देखना कितना शौक से खाते हैं भाग के। यार माइलो को कुछ दे दो यार, माइलो
सारा दिन करता रहता है सितैन, क्या हो गया? अच्छा यार, मर्जी है। मुझे तसल्ली है, मैलो सब कुछ खाता है यार। ओके। और इस बेचारा कभी कभी खाता है थोड़ा थोड़ा, उसके ऊपर भी मैलो हमला कर दे, ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखना आप, ये टूट पड़ेंगे सारे, ये देखो यार। इनको अच्छा लगता है ना ये खाना, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो किस तरह से पाल रही है, समझ रही है मेरे बच्चे ये अपने बच्चे समझ रहे हैं यार, ये अच्छी बात है अगर वो समझ रही है तो। उठ जाओ भी चिक्की, शाबाश शाबाश शाबाश, शाम का टाइम हो गया, तुम्हारी जगह चेंज करनी है अब। तो यार शाम का टाइम हो गया, चिक्की को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होता है शाम के टाइम हमने, तो ये खुले आसमान तले आ जाती है। चलो भाई चिक्की, ठीक है चिक्की यहाँ पर रहो तुम, ओके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि वो एनिमल कौन सा है, मैंने 5 औलाद के जवाब दिए भाई, कैसे करना है लाजमी। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।